सर्किल थाना इलाके में भूमाफियाओं से मिलीभगत कर करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीन को खुर्द बुर्द करने का मामला सामने आया है। वारदात चांदपोल दरवाजे के बाहर चर्च के सामने स्थित जमीन की है। जमीन के असली मालिक रिटायर्ड आरएएस अधिकारी महावीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि भूमाफियाओं ने फर्जी कागजात से दिसंबर 2013 में श्याम बिल्ड स्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के निर्देशक विनोद कुमार जालान ने संजय गुप्ता और रामचंद्र यादव को सहमतिकर्ता बनाते हुए सोमेश्वर गुप्ता को 72 करोड़ रुपए में बेच दिया, जिसको लेकर पीड़ित ने अतिरिक्त कमिश्नर संतोष चालके को भी मामले में कार्रवाई के लिए ज्ञापन दिया। बावजूद इसके कोई कार्यवाही नहीं की जा रही। संजय सर्कल थाने के अंदर 62/2019 उस एफआईआर के अंदर मैंने 6 व्यक्तियों के विरुद्ध यह आरोप लगाया है कि उन्होंने मेरी संपत्ति का फर्जी पहचान कर दिया। पुलिस ने बाद जांच उन 6 मुलजिमों को उनके विरुद्ध आरोप प्रमाणित मान लिए और उसके बाद में पुलिस ने जो है अब उनको बचाने की फिराक में लगे हुए हैं, जिसके विरुद्ध मैंने पुलिस के एडिशनल कमिश्नर मिस्टर चाल के जो क्राइम के इंचार्ज है मिस्टर संतोष चाल के उनसे मैंने संपर्क किया। जवाब ये दिया गया कि सर मैं अगले 10-15 दिन में गिरफ्तार कर लूंगा। चाल के साहब ने उसको 15 दिन का समय दिया। 15 दिन का समय 23 तारीख को समाप्त हो गया। उसके बावजूद आज तक कोई भी उसमें गिरफ्तारी नहीं हुई है और अब जो है कुछ मिलीभगत का मुझे अंदेशा है कि मुलजिमों से मिलीभगत